दोस्तों देखिए, माँ लक्ष्मी मूर्ति कला केंद्र जयरामगढ़ जिला कोपागंज मऊ में यह प्रतिमा बनाया गया है संजय मूर्तिकार द्वारा। और आप लोग कमेंट में बताइए कैसा बना है। और आगे चलते हैं, एक मूर्ति फूट गई है और वहाँ पर चलते हैं। आप नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हम आपका छोटा भाई संजय लाल बाबू। आज बता दें कि आप लोग के बीच देखिए ये सब मूर्ति का प्रतिमा लगा हुआ है, लगभग हर साल नहीं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मूर्ति पर मिट्टी न होने की वजह से तत्काल में POP द्वारा बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं नेत्र बनाते हुए संजय लाल बाबू। और आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि ये जो मुकुट लगाया गया था, पंडाल के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मुकुट सही नहीं है, वो मुकुट लाने गए हैं, अभी लाकर लेकर आ रहे हैं तो उसे हम लगाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को यह प्रतिमा जरूर पसंद आया होगा। और देखिए इसमें अभी मुकुट लगा रहे हैं और मुकुट लगाने के बाद आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए मुकुट अच्छा लग गया, लग रहा है। हाँ कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप बता दें कि जो गोल्डन वहाँ देख रहे हैं पहले खंडित हो गया था, अखंडित थोड़ी था। और दोस्तों सुबह से ही लगे लगे, अगले सुबह से टाइम से लगे ये हो गया। फिर देखिए फिर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इधर सर जी, अरे सर जी क्या कर रहे हैं सर, ये कुछ बोलिए नहीं, ये कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि सुबह हो गया, ठीक है। और नहीं तो ला जाना ठहर ना, हाँ सर जी ले जाना। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सर जी और ये लोग बैठे हैं, कैसे हैं भैया? बढ़िया। और उठवा कैसा लग रहा है? अरे वो शेरवा का एकदम मस्त। अरे सचवा का बढ़िया लगेगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ देखिए भाई भी है। और शुभम कैसे है बाबू, भूख उखना नहीं लगल? देखिए भाई है, थोड़ा सा अभी भूखा था, कह रहा था भूख लगा अभी कह रहा कि नहीं, क्योंकि कैमरा के सामने है ना इसीलिए। और आप लोग देख सकते हैं इधर प्रतिमा है। और आप लोग कमेंट में बताइए कैसा है, क्योंकि हम प्रतिमा ज़्यादा नहीं बनाते हैं तो इधर उधर घूमने चालू स्टार्ट कर देते हैं दशहरा में। तो आप लोग देखिए बताइएगा कैसा बना है, और शुरू का वीडियो आगे देखेंगे।